यूपी के प्रयागराज में इंडी गठबंधन की जनसभा में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर मिली है। अखिलेश यादव के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। भगदड़ की वजह से मीडिया कर्मियों के कैमरे और स्टैंड टूट गए। अव्यवस्था के चलते अफरा तफरी का माहौल मच गया। फूलपुर के पंडिला में इस जनसभा का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही चले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की संयुक्त चुनावी सभा में जमकर हंगामा हुआ। सभा में जुटी भीड़ दोनों नेताओं के करीब पहुंचने की कोशिश के दौरान बेकाबू हो गए। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ी तो भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ दी। हंगामा और अराजकता की वजह से दोनों नेताओं का बिना भाषण दिए वहां से लौटना पड़ा। हंगामे के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट भी हुई। जानकारी के मुताबिक कार्यकर्ता बैरिकेडिंग फांदकर स्टेज के करीब पहुंच गए। इसके बाद फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश स्टेज पर मौजूद लोगों से मुलाकात करके निकल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने जनसभा को संबोधित भी नहीं किया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में इंडी गठबंधन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, पूरा इंडी गठबंधन अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि राहुल, सोनिया, उद्धव, स्टालिन अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इलाहाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, जो लोग अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करते हैं, क्या वे आपका भला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन कहता है कि उनकी सरकार आएगी तो वे अनुच्छेद 370 फिर से लागू करेंगे, तीन तलाक वापस लाएंगे, नागरिकता संशोधन कानून हटाएंगे और परमाणु हथियार नष्ट करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह इंडी गठबंधन देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। गृह मंत्री ने कहा, यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने 70 सालों तक राम मंदिर को अटकाए रखा। सपा सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और हमारे राम भक्तों को मारने का काम किया। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने केस जीता, भूमि पूजन किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जय श्री राम कह दिया। उन्होंने कहा कि जब ट्रस्ट ने इनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा तो वो लोग नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सोनिया भी नहीं पहुंची, राहुल बाबा, अखिलेश और डिंपल भाभी भी नहीं पहुंची। ये इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि अपने वोट बैंक से डरते हैं। उनके वोट बैंक आप नहीं बल्कि वे घुसपैठिए हैं। शाह ने कहा कि मोदी जी ने अपने धर्म के सभी सांस्कृतिक केंद्रों को ऊर्जावान बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं तो दूसरी ओर राम मंदिर बनवाने वाले मोदी जी हैं। जनता को दोनों के बीच चुनाव करना है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।